सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम से जुड़े यौन शोषण केस में फैसले से पहले सिरसा में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। बाबा पर कल पंचकुला की सीबीआई कोर्ट फैसला करेगी। कर्फ्यू रात 10 बजे से सिरसा शहर और आसपास के गांव बाजेका, शाहपुर बेगू और नेजिया खेड़ा में लगेगा। हालात को देखते हुए सेना को बुला लिया गया है। सिरसा में डेरा के भीतर बड़ी तादाद में राम रहीम समर्थक मौजूद हैं। इससे पहले शहर में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियों ने फ्लैग मार्च किया। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने आज ट्वीट कर अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। हमने हमेशा कानून का सम्मान किया है। पीठ में दर्द है, फिर भी कल कोर्ट जाऊंगा। मुझे भगवान पर पूरा यकीन है। सभी से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। हरियाणा और पंजाब सरकार ने भी बाबा के समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि डेरा सच्चा सौदा का आरोप है कि इतने कड़े बंदोबस्त करके जबरदस्ती डर का माहौल बनाया जा रहा है, जबकि डेरे के समर्थक शांति बनाए हुए हैं। ऑलरेडी एक पैनिक सा जनता के सामने क्रिएट किया गया है कि भी एक फोर्स डिप्लॉय कर दी है, सेक्शन 144 लगा दिया है। डेरा हमेशा शांति की अपील करता आया है, शांति की अपील कर रहा है अभी भी। बाबा गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले से पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पंचकुला और चंडीगढ़ में बाबा के भक्तों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका पर अदालत ने दोनों से जवाब मांगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मनोहर लाल सरकार से पूछा कि अगर एक भी जान गई तो वो डीजीपी को क्यों ना हटा दे। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि चेतावनी मिलने के बाद भी वक्त रहते जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर पर्याप्त सुरक्षा बल क्यों नहीं भेजे। हाई कोर्ट ने बाबा राम रहीम से कहा कि वो अपने समर्थकों से वापस जाने को कहें, साथ ही हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि वो कानून व्यवस्था बनाए और केंद्र की मदद ले। कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वो समर्थकों को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। कोर्ट ने पुलिस को भी फटकार लगाई, कहा कि क्या सिर्फ कोर्ट रूम की सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, आम आदमी की सुरक्षा के लिए नहीं। हाई कोर्ट ने सेना को भी अलर्ट पर रखने को कहा है। इस मामले पर कल सुबह 11:30 बजे फिर सुनवाई होगी। बाबा राम रहीम केस में कल आने वाले फैसले से पहले समर्थकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सुरक्षा इंतजाम काफी कड़े कर दिए गए हैं। अगले 72 घंटे तक मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की 53 कंपनियों की तैनाती की है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। 53 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कंपनियां हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मंगाई हैं। इसके अलावा अपनी जो लोकल पुलिस फोर्स है डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, उसको भी हमने सफिशियंट मात्रा में डिप्लॉय किया। किसी भी तरह का कोई भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए कोई भी सख्त कदम उठाना पड़े, इसके लिए प्रशासन को, पुलिस को और ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स को आदेश दे दिए गए हैं। खबरों के मुताबिक पंचकुला में करीब 10 लाख डेरा समर्थकों के पहुंचने की संभावना है। एहतियात के तौर पर सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सरकारी दफ्तर और निजी संस्थानों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। चंडीगढ़ और पंचकुला में हर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। चंडीगढ़, सिरसा और पंचकुला में स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील कर दिया गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने कल पंजाब जाने वाली 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। We have authorized the DGP to introduce curfew in whichever city is necessary. Agar load pave, agar administration at the local level wants it, then it will be done. But I have left it to the DGP to decide. केंद्र सरकार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के हालात की मॉनिटरिंग कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से फोन पर बात की। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी सुरक्षा बल मुहैया कराने का आश्वासन दिया। हरियाणा सरकार ने सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। कल फैसले के दिन सभी मंत्री और विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगे। हरियाणा में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की 53 कंपनियों के अलावा 50,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ भी हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। जैसे कि एमएचए के ऑर्डर्स हुए हैं, उससे हमने जो अपनी रेगुलर जीडी कंपनीज हैं, सीआरपीएफ की, आरएएफ और महिला कंपनीज, ये हरियाणा, पंजाब और यूटी को उपलब्ध करा दी हैं। वो इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और उनके निर्देश पे काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है। अदालत ने कहा है कि ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने ये कह दिया है कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट। अब जो बाकी इश्यूज हैं, जैसे दूसरे इश्यूज होते हैं कि वो फंडामेंटल राइट जब होल्ड हो गया तो आधार कार्ड या जितने और भी इश्यूज हैं जो इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं, तो उनमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करेगी तो वो वायलेटिव होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार का कहना है कि अदालत ने निजता को संपूर्ण अधिकार नहीं बताया है। निजता का हर मामला परिस्थिति पर निर्भर करता है। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने भी बहस में यही कहा कि राइट ऑफ प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट चैप्टर सब स्पेसिस सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि सरकार ने अदालत में कहा था कि निजता मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका स्वागत करती है। ये मोदी सरकार के उन कदमों को पूरी तरह से नकारता है जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में निजता के अधिकार को लेकर 21 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थीं। अब आगे सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ये तय करेगी कि आधार कार्ड को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाए या नहीं। पश्चिम बंगाल में मुहर्रम वाले दिन दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन रोकने के फैसले का बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी ने कहा है कि ममता हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हैं और वो मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए लगातार हिंदू आस्था पर चोट कर रही हैं। दुर्गा पूजा बंद करने का एक साजिश है, कोशिश है सिर्फ मुसलमान वोट को लुभाने के लिए। इस बार भी दुर्गा पूजा में जो विसर्जन है उसमें पाबंदी लगाने का कोशिश कर रहा है। मुहर्रम वाले दिन यानी 1 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन पर पाबंदी लगाने वाले ममता सरकार के फैसले को कांग्रेस और आरजेडी ने सही ठहराया है। इत्तफाकन दो ऐसे जश्न एक ही समय पर पड़ते हैं तो राज्य सरकार ही तय कर सकती है कि कैसे शांति का माहौल वो कायम रखे। कुछ न्यूसेंस करने वाले लोग होते हैं सोसाइटी में, दोनों तरफ के सोसाइटी में हैं, उनको मौका न लगे इसलिए अलग अलग सावधानी सब प्रशासन शासन सावधानी बरते वो अच्छी बात है। बाद में फिर हाय तोबा मचाने से और जांच करने से क्या है। ममता बनर्जी ने कल कहा था कि 1 अक्टूबर को मुहर्रम है इसलिए पश्चिम बंगाल में उस दिन दुर्गा विसर्जन की इजाजत नहीं दी जाएगी। शुद्ध एक दिन ही दिवा जावे ना सेटा होच्छे पहला अक्टूबर एकादशीर दिन एमनिते आमरा विसर्जन दिते चाई ना अनेक समय। ममता ने पिछले साल भी विजयदशमी पर मुहर्रम की वजह से मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई थी, जिसे कोलकाता हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यकों को खुश करने वाला मनमाना फैसला बताकर खारिज कर दिया था। बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की मुहिम से मायावती ने भी किनारा कर लिया है। मायावती ने कहा है कि वो गठबंधन में शामिल नहीं होंगी क्योंकि गठबंधन को लेकर उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। मायावती के अलावा सोनिया और राहुल भी पटना में 27 अगस्त को होने वाली रैली में शामिल नहीं होंगे। चारों तरफ से आ रहे हैं, गांधी मैदान में जगह नहीं मिल पाएगा, पूरा पटना में रैली ही रैली आप देखेंगे कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। लालू ने दावा किया है कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ रैली में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता शामिल होंगे। वहीं जेडीयू ने कहा है कि अगर लालू की रैली में शरद यादव शामिल होते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। तालाराम के परिवार के साथ मिलके आपने तो इतिहास रच दिया। निश्चित तौर पर अगर रैली में आएंगे तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। नेपाल ने कहा है कि वो भारत के दुश्मनों को अपने यहाँ जगह नहीं देगा। 4 दिन के भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने पीएम मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की तारीफ की। पीएम मोदी ने नेपाली भाषा में देउवा का स्वागत किया। उन्होंने नेपाल को बाढ़ और बिजली संकट से बचाने के लिए मदद बढ़ाने का वादा भी किया। ऑनरेबल शेर बहादुर देउवा जी र अन्य नेपाली अतिथिगण तपाई रुका भारत मा हार्दिक स्वागत गर्दा मलाई गेरे खुशी लागत छे। हम अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हालांकि हमारे संबंध हिमालय जितने पुराने हैं। We fully believe that all you have is goodwill, solidarity, desire to support Nepal and Nepali people. I'm also thankful for the warm welcome, generous hospitality extended to me and my delegation.
भारत नेपाल के बीच ड्रग तस्करी रोकने समेत 8 अहम समझौते हुए हैं। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने खुली सीमाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने पर बात की। नेपाल बॉर्डर ओपन बॉर्डर विद योर कंट्री, बट आई वुड लाइक टू अश्योर यू नेपाल विल नेवर अलाउ एनी एक्टिविटीज अगेंस्ट फ्रेंडली नेबर इंडिया। इस मौके पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत नेपाल पावर ट्रांसमिशन का उद्घाटन भी किया। जून में प्रधानमंत्री बनने के बाद देउबा की ये पहली विदेश यात्रा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 3 विधानसभा चुनावों के लिए आज प्रभारी टीम का ऐलान कर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली को गुजरात का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमन, पीपी चौधरी और जितेंद्र सिंह को गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया है। प्रकाश जावड़ेकर को कर्नाटक का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कर्नाटक के सह प्रभारी होंगे। हिमाचल में चुनाव प्रभार की जिम्मेदारी थावरचंद गहलोत को दी गई है। इस बार संगठन के बजाय केंद्रीय मंत्रियों को ही चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में राज्यों में 6 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव है। गुजरात में बीजेपी 2001 से सत्ता में है। मोदी के पीएम बनने के बाद गुजरात में ये पहला विधानसभा चुनाव है, जबकि कर्नाटक और हिमाचल में बीजेपी विपक्ष में है।